हेलो एवरीवन, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस ऑफ यूट्यूब चैनल एसवीजीएम आसिम। इन लास्ट क्लास वी आर डिस्कस केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इन विच एट फर्स्ट वी आर डिस्कस द केमिकल रिएक्शंस इन बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। व्हाट आर डिस्कस? A bond cleavage in which between oxygen and hydrogen to removal of a proton. It means these reactions show acidic nature of carboxylic acid. तो last class में हमने इस topic पे discuss किया, comparison study पढ़ी, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट्स पढ़े। अब नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें आप क्या देखोगे? बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन कार्बोनिल ग्रुप एंड ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो निश्चित रूप से आपको पता है जब ये बॉन्ड क्लीवेज होगा तो हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव रिमूवल होगा और कार्बोनिल। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने केमिकल रिएक्शंस लेते हैं। एस्ट्रिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कौन सी केमिकल रिएक्शन लेते हैं? एस्ट्रिफिकेशन। तो सेकंड टाइप की केमिकल रिएक्शन है इन्वॉल्विंग बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन CO एंड ओ एच, कार्बन एंड ए ऑक्सीजन, राइट। तो सबसे पहले कौन सी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे इसमें? एस्ट्रिफिकेशन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको, फॉर्मेशन ऑफ ए एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर नॉन एज एस्ट्रिफिकेशन, राइट। ध्यान दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद एल्कोहल, रिएक्ट विद एल्कोहल, प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, प्रेजेंस ऑफ ए मिनरल एसिड एंड टू फॉर्म एस्टर, एंड टू फॉर्म एस्टर एंड रिमूवल ऑफ ए वॉटर मॉलिक्यूल, दिस रिएक्शन नॉन एज ए एस्ट्रिफिकेशन केमिकल रिएक्शंस। इन रिएक्शंस ऑल ऑफ यू सीन इन विच रिवर्सिबल। क्या है ये केमिकल रिएक्शन? रिवर्सिबल नेचर की है। इट मींस तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब होगी? जब यहां से वॉटर मॉलिक्यूल क्या होता रहे? रिमूवल होता रहे, एक्सक्रेशंस ऑफ द वॉटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने क्या करना है? रिमूवल करना, आउट करना। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहेगी, वरना एट इक्विलिब्रियम पोजीशंस वापिस क्या बन जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल्स। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है? फर्स्ट रिएक्शन आर वेरी स्लो, सो प्रेजेंस ऑफ ए H2SO4 एंड HCl प्रोसीड फास्ट, यानी इनकी प्रेजेंस इनको क्या कर देती है? फास्ट कर देती है। सेकंड, अपने को रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखने के लिए वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता रहना है? रिमूवल करते रहना है, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, तो ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में आपको पता है प्रेजेंस किसकी है? एसिड की है। तो एसिड क्या करेगा? Give proton and these proton attack on carboxylic acid. तो सबसे पहले प्रोटोन का जुड़ना, प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्स्ट स्टेप क्या पढ़ेंगे हम? प्रोटोनेशन ऑन
कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब इसके पास क्या आता है, एच पॉजिटिव, तो इस ऑक्सीजन पे पहले से ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहां क्या है, पाई बॉन्ड ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज है, तो ये एच पॉजिटिव अटैक किस पे करेगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब आपको पता है इसके पास क्या है, लोन पेयर, इस पे भी है पर यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच है, तो सबसे पहले एट फर्स्ट यहां ये क्या करता है, अटैक करता है। क्या फॉर्म होता है, आर सी ओ एच ओ एच। अब इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन एटम, तो ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन की ओर, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर सी ओ एच ओ एच, और कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इट मींस फॉर्म ए इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, तो सेकंड स्टेप में क्या करना है, अपने को अटैक करवाना है। ये इलेक्ट्रोफाइल सेंटर जनरेट हो गया, अब न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग ऑफ द एल्कोहल, तो सेकंड स्टेप में क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ एल्कोहल ऑन ए इलेक्ट्रोफाइल सेंटर। तो ध्यान दीजिए, आर सी ओ एच ओ एच प्लस ओ आर एच, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां क्या होंगे, इस पे अटैक, बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो क्या बन जाएगा, आर सी ओ एच ओ एच ओ एच, और इस पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो, कार्बन जो है वो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन में क्या ध्यान रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद एल्कोहल एंड टू फॉर्म एस्टर। मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप क्या ध्यान रखना है कि जो प्रोटॉन है वो सबसे पहले किस पे अटैक करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पे। क्या फॉर्म होगा, इलेक्ट्रोफाइल सेंटर। अब इस इलेक्ट्रोफाइल सेंटर पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ ए एल्कोहल, राइट। अब क्या है, ये जो आयन फॉर्म हो रहा है ये काफी अनस्टेबल है, वेरी अनस्टेबल दीज, तो अब इसमें क्या होगा, प्रोटोन का ट्रांसफर होगा, प्रोटोन का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेप क्या जाता है अपना, प्रोटोन ट्रांसफर। थर्ड स्टेप क्या है, प्रोटोन ट्रांसफर, तो क्या होगा, आर सी ओ एच ओ एच ओ आर एस एच, अब ये प्रोटोन क्या हो जाएगा, इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये ओ एच ओ एच टू पॉजिटिव ओ आर डेस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। फोर्थ स्टेप में क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ एच टू ओ, एच टू तो क्या बनेगा, आर सी ओ एच ओ आर डेस, अब ये क्या जाएगा, बार, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे यहां पे, तो यहां क्या बन गया, डबल बॉन्ड, अब इस पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान दीजिए, फर्स्ट स्टेप क्या था, प्रोटोनेशन ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोटोन ने अटैक किया, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ किसका, एल्कोहल मॉलिक्यूल का, और फिर प्रोटोन का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, फिर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और अब लास्ट एंड फाइनल, आपको पता है पहले प्रोटोनेशन हुआ था, अब रिमूवल ऑफ प्रोटोन होगा। ठीक है, तो ये प्रोटोन यहां से आउट हो जाएगा, तो रिमूवल ऑफ प्रोटोन,
ठीक है, तो क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, क्या बनाना था, एस्टर। तो मैकेनिज्म के स्टेप पॉइंट टू पॉइंट याद रखना, रटना नहीं है, वी आर स्टडी एस्टरीफिकेशन। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड पे प्रेजेंस ऑफ एसिड है तो प्रोटोन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल सेंटर बनेगा, उस इलेक्ट्रोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो वहां से प्रोटोन का क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और फिर रिमूवल ऑफ ए प्रोटोन एंड टू फॉर्म एस्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। अब आप इसमें क्या देख रहे हो कि ये जो एल्कोक्सी यानी एसाइल ग्रुप, इसमें क्या हो रहा है, एड हो रहा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप में बाहर जा रहा है, तो ये जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसको न्यूक्लियोफिलिक एसाइलेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक की पॉइंट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोफिलिक एसाइलेशन। तो ये थी एस्टरीफिकेशन, केमिकल रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विद मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया पॉइंट टू पॉइंट। किसी भी पॉइंट में मैंने आपको ये नहीं बताया कि इसमें रटना है, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया। अब आगे नेक्स्ट लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एसिल क्लोराइड, सेकंड नंबर पे क्या लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एसिल क्लोराइड। ध्यान दीजिए, एस्टर डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिल क्लोराइड या एसिल हैलाइड डेरिवेटिव ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद PCl5, PCl3, ठीक है, SOCl2, SOCl2, प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, ध्यान आया कुछ, ये केमिकल रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं एल्कोहल की। तो अब इन केमिकल रिएक्शंस में यहां एसिड की प्रेजेंस होगी तो क्या बनेगा, आर सी ओ सी एल, क्योंकि आपको पता है ये बॉन्ड क्लीवेज यहां से हो रहा है तो यहां से सी एल लगेगा, ठीक है, बाकी एच सी एल और पी ओ सी एल थ्री, ठीक है। तो आपको पता है कि व्हेन एनी एक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्ट विद PCl5 ऑलवेज फॉर्म POCl3 एंड हेलोजन, इट मींस POX3, यानी आप कोई भी हेलोजन लेते हो तो उसके बेस में जब भी PCl5 की रिएक्शन होगी तो ये टू प्रोडक्ट फिक्स हैं, ये टू प्रोडक्ट ऑलवेज फॉर्म, एंड SOCl2 के साथ करवाओगे तो आपको पता है क्या बनेगा, SO और O, SO2 गैस और HCl गैस, और क्या बन गया, RCOCl। तो इस केमिकल रिएक्शन को प्रिफरेंस दी जाती है, ठीक है, प्रीफर किसको करते हैं, SOCl2 के साथ, जब भी एसिल क्लोराइड का फॉर्मेशन करना होता है तो कौन सी केमिकल रिएक्शंस को प्रिफरेंस दिया जाता है, इस केमिकल को, प्रेजेंस ऑफ ए पीरीडीन, तो फॉर्मेशन ऑफ ए एसिल क्लोराइड, इस टाइप से इस केमिकल रिएक्शन को क्या किया हमने, कंप्लीट। अब फॉर्मेशन ऑफ, आगे नेक्स्ट कौन सा है, एसिड एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ ए एसिड क्लोराइड पढ़ा हमने, अब क्या पढ़ेंगे, एसिड एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड का मतलब डिहाइड्रेशन केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, HOCOR डैश,
क्या देख रहे हो? टू मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंस ऑफ P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड एंड एसिडिक एंड टू हीट तो क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल आउट और क्या फॉर्म हो जाएगा? RCOOCOR किस नाम से जानेंगे इसको? एनहाइड्राइड। किस नाम से जानेंगे? एनहाइड्राइड। इट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड में से H2O मॉलिक्यूल को रिमूवल करके जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो किस नाम से जाना जाएगा? किस नाम से? एनहाइड्राइड। तो फॉर्मेशन ऑफ ए एसिड एनहाइड्राइड। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एमाइड। एसिड एमाइड क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? किसका केमिकल फॉर्मूला? ये अमोनिया NH3। तो क्या बन जाएगा? एडेक्ट। यानी ये जो H पॉजिटिव इसके पास, क्योंकि आपको पता है यहां अमोनिया लिविस बेस के रूप में काम करेगा, तो RCONH4 क्या बन गया? अमोनियम एल्केनेमा एसिटेट। ठीक है, तो अमोनियम अब इसका क्या करेंगे? एल्केनोइड गरम, तो यहां से H2O मॉलिक्यूल क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है और क्या बन जाता है? RCONH2। एल्केनेमाइड फॉर्म होता है, अमोनियम एल्केनोइड। अमोनियम एल्केनोइड फॉर्म होता है जिसको अपने क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद में एल्केनेमाइड्स फॉर्म होता है या एसिड एमाइड्स फॉर्म होता है। तो इस टाइप से ये केमिकल रिएक्शन है। ध्यान क्या रखना है? आपको पहले अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएंगे और फिर इसको हीट करेंगे। हीट करने से क्या प्रोडक्ट बन जाएगा अपना? एल्केनेमाइड्स फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक कमर्शियल प्रोडक्ट फॉर्म होता है थैलीमाइड्स। ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ थैलीमाइड्स। नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें? फॉर्मेशन ऑफ थैलीमाइड। अब ध्यान दीजिए, नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये थैलिक एसिड की है। किसकी है? ये थैलिक एसिड। तो ये थैलिक एसिड आपको पता है बेंजीन 1-2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड नोन एज थैलिक एसिड। बेंजीन 1-2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो सबसे पहले किसके साथ केमिकल रिएक्शन होगी? अमोनिया के साथ। क्या फॉर्म होगा? अमोनियम थैलेमेट। क्या बन जाएगा? अमोनियम थैलेमेट। तो COONH4 अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा? इसमें किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? इसकी हीट करेंगे, तो वही क्या बन जाएगा? CONH2
और फिर इसकी रिएक्शंस क्या करवाते हैं आपस में, तो हीट करने पर या तो अमोनिया क्या आ जाती है इसमें बार, और क्या बन जाता है CO CO NH, ठीक है। इस टाइप से क्या बन गया थैलीमाइड बन गया। अब एल्किल एमाइंस बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, जब इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे बेस से करवाएंगे, बेस से करवाएंगे तो ये एक्टिव हाइड्रोजन एसिड नेचर में, तो क्या बन जाएगा सोल्ट। सोल्ट फॉर्मेशन होने के बाद जब भी हम किसी एल्किल हैलाइड्स के साथ उसकी रिएक्शंस कराएंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा प्राइमरी एमाइंस, तो वहां पे भी ये केमिकल रिएक्शन आएगी नेक्स्ट चैप्टर में। पर यहां पे भी इसको देखो फॉर्मेशन ऑफ ए थैलीमाइड्स, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो कई केमिकल रिएक्शंस कई प्रोडक्ट्स बनाने में यूज होता है। तो इस टाइप से फॉर्मेशन ऑफ थैलीमाइड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थे डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के फोर, अलग अलग हमने डिस्कस किया। सबसे पहले आपने क्या डिस्कस किया एस्टरीफिकेशन में फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फिर फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, फिर फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड और फिर एसिड एमाइड्स। ये सारे के सारे डेरिवेटिव्स जिनमें बॉन्ड क्लीवेज कहां से होता है सी एंड ओ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बन के बीच में से बॉन्ड क्लीवेज होता है, ये केमिकल रिएक्शंस की हमने स्टडी की। अब नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, इसमें ये मेनली फोर टाइप्स केमिकल रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वी आर डिस्कस, एंड नेक्स्ट टू इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप विच केमिकल रिएक्शंस इन पार्टिसिपेट कार्बोक्सिलिक ग्रुप वी आर ए स्टडी। कौन सी केमिकल रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें कौन पार्टिसिपेट करता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप करता है। तो सबसे पहले रिडक्शन, तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसका जब हम रिडक्शन करवाते हैं जैसे रिड्यूसिंग एजेंट है एल आई ए एल एच फोर एन ए बी एच फोर बी टू एच सिक्स डाइबोरेन, तो उस टाइम ये जो सीओ ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल में, तो क्या बन गया प्राइमरी एल्कोहल। दिस केमिकल रिएक्शन रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन प्राइमरी एल्कोहल्स, तो इसमें किसने पार्टिसिपेट किया पूरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको पता है कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप पार्टिसिपेट करता है तो इसमें लिबरेशन ऑफ CO2 गैस, CO2 गैस क्या आएगी बाहर आएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या हो गया आउट हो गया, तो इसको कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। ये केमिकल रिएक्शन किस नाम से जानी जाएगी डीकार्बोक्सिलेशन, तो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स डीकार्बोक्सिलेशन। रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ CO2 गैस, ठीक है। तो इसमें अपने 11th क्लास के अंदर थोड़ा सा अगर आपको ध्यान आ रहा है 11th क्लास में हमने पढ़ा था कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, ध्यान आया कुछ क्या होता है उसमें सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करवाया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस, तो एनोड पे क्या बनता है एल्केन और CO2 गैस और कैथोड पे क्या आता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ध्यान दीजिए एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ये केमिकल रिएक्शन थी अपनी,
क्या है ये? सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या फॉर्म होगा? प्लस CO2 प्लस NaOH प्लस H2। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट किसका था? कैथोड का। और ये प्रोडक्ट जो बनेंगे वो क्या बनेंगे? एनोड के। इंपॉर्टेंट क्या है? CO2 गैस। ठीक है, तो ये कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड हमने 11th क्लास में स्टडी किया था, फिर भी एक बार इसका बेसिक ब्रीफ नॉलेज अपने को मस्ट भी, क्योंकि कई बार कन्वर्जन के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपको एसिटिक एसिड दे दिया जाएगा और बेस के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी और उससे क्या बनाया जाएगा? एल्केन बनाया जाएगा। तब आपके माइंड में ये सेट रहना चाहिए कि ये केमिकल रिएक्शन रिलेटेड टू कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन, मैंने कहा रिमूवल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। अब सेकंड रिएक्शन इसमें पढ़ते हैं अपने, आपने एक नाम सुना है सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या क्या कंपोजिशन होता है इसमें? NaOH प्लस CaO। क्या रेशो होता है इसका? 3:1। इनके मिक्सचर को किस नाम से जाना जाता है? सोडा लाइम। सोडा लाइम का मतलब क्या है? सोडा इट मींस एफरवेसेंस ऑफ CO2 गैस। सोडा वर्ड जो है उसका मीनिंग्स क्या है? एफरवेसेंस ऑफ CO2, यानी CO2 गैस का बुदबुदाहट के साथ बाहर निकलना। तो अब आपको पता है कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी रिएक्शन अपने NaOH के साथ करवाते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा? RCOONa। और फिर ये जो CaO है ये तुरंत इसको क्या कर देता है? बार, तो यहां क्या निकलेगी? CO2 गैस और R से R, ठीक है, तो इस टाइप से ये इसमें फिर आगे NaOH H2 गैस के रूप में, तो ये क्या बनता है? एल्केन फॉर्म होता है। तो इस टाइप से सोडा लाइम के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तब भी क्या होता है? CO2 गैस रिमूवल होती है, सॉरी इसके अंदर RH एल्केन फॉर्म होगी। ठीक है, आगे तो इस टाइप से हमने डीकार्बोक्सिलेशन की केमिकल रिएक्शंस को क्या किया? कंप्लीट किया। तो ये थी कार्बोक्सिल। अब हम क्या पढ़ेंगे? फोर्थ टाइप की केमिकल रिएक्शन लेंगे जिसमें एल्किल ग्रुप। अब एल्किल ग्रुप में क्या होंगे? हाइड्रोजन, तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय हैलोजन एटम। इसके लिए एक केमिकल रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले उसका नाम देख लीजिए। क्या लिखा मैंने? हेल वॉल हार्ड एंड जेलेंसकी। हेल वॉल हार्ड जेलेंसकी रिएक्शन। हेल वॉल हार्ड जेलेंसकी रिएक्शंस। इन केमिकल रिएक्शंस पार्टिसिपेट ऑफ एल्किल ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो CH3COOH प्लस Cl2। अब क्या फॉर्म होगा? CH2Cl COOH। तो हेलोजन और साथ में इसमें P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और एसिड की प्रेजेंस मस्ट बी। हेल वोल हार्ड जेलेंस की
रिएक्शंस। तो इस टाइप से ये केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का जो अपना पॉइंट चल रहा था ये कंप्लीट होता है। एक बार मैं ब्रीफली रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले वी आर स्टडी एसिडिक नेचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिसमें हमने बेस के साथ एक्टिव मेटल के साथ केमिकल रिएक्शंस पढ़ी। फिर सेकंड नंबर पे हाइड्रोक्सिल में हमने फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एमाइड, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स के बारे में पढ़ा। फिर कार्बोक्सिलिक के अंदर हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले रिडक्शन। तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनेगा, प्राइमरी एल्कोहल में रिड्यूस्ड होगा। और इसके अलावा फिर हमने क्या पढ़ा, डीकार्बोक्सिलेशंस के बारे में पढ़ा। और नेक्स्ट हेल वोलहार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शंस के बारे में, जिसमें एल्किल ग्रुप क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इस टाइप से जो काफी लेंथी चैप्टर है अपना एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द सीबीएसई एंड अदर बोर्ड्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, हमने इसको क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में इसकी कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे अपने। तब तक आप अपने इसके जितने भी एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट क्वेश्चन की जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको राइट कीजिए, रीड कीजिए और कंटिन्यू उनकी रिपीट करते रहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट और रह जाता है, जैसे क्या नाम है इसका, बेंजोइक एसिड। अगर इसका नाइट्रेशन करवाना है अपने को, HNO3 प्रेजेंस दे दी H2SO4 की, और एग्जाम में आपसे क्या पूछा, प्रोडक्ट पूछा, ये मैं पहले ही भी बता चुका हूं, फिर भी अगर इसका प्रोडक्ट बनेगा तो आपको पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है बेंजीन रिंग की, डिक्रीज, और स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो आप देख रहे हो ऑर्थो और पैरा पे, तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो कहां लगेगा, मेटा पे, तो निश्चित रूप से क्या प्रोडक्ट बनेगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ये भी इसमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ द एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड पॉइंट है, ये अपने को ध्यान रखना है। आज की क्लास में जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको हमने कंप्लीट किया। कंप्लीट ये तभी होगा जब आप इसकी एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस इसको रीड करने के बाद में कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो कंप्लीट नहीं है। हमारी तरफ से कंप्लीट है, आपकी तरफ से कंप्लीट करने के लिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। Have a nice day. Thank you very much.